दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहा है और बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि मिराज भाई, जो सिलेंडर वाला होता है, जो फोर्की जिसमें सिलेंडर लगा होता है यहाँ पे पीछे, उसमें डीजल ही पड़ता है। दोस्तों, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, इसी बारे में आपको सारी बातें बताने वाला हूँ कि उसमें सिलेंडर लगता है तो डीजल पड़ता है कि पेट्रोल पड़ता है, क्या पड़ता है। वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय एंड हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी गए होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, बाहुबल आप इधर आइए थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डीजल का ये टैंक है, ये यहाँ से डीजल पड़ता है। ये तो फोर्कलिफ्ट डीजल का है, इसलिए इसमें डीजल पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो गैस वाली गाड़ी होती है, जिसमें गैस सिलेंडर यहाँ पे लगा होता है, उसमें कौन सा गैस पड़ता है? उसमें दोस्तों एलपीजी गैस पड़ता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना, अपने घर के रसोई में खाना जो बनाते हैं, वही गैस इसमें यूज होता है। तो ये डीजल वाला है तो इसमें यूज नहीं होता है, लेकिन जो सिलेंडर वाला है, गैस वाला है, उसमें यूज होता है। और यही पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिलेंडर लगा होता है रेड कलर का, ठीक है, कहीं कहीं येलो भी लगा होता है। तो उसमें एलपीजी गैस होता है, उसमें सीएनजी नहीं होता है। सीएनजी दूसरा चीज़ है, एलपीजी दूसरा चीज़ है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब हम बता दें कि जिसमें एलपीजी गैस पड़ता है उसमें डीजल पड़ता है कि पेट्रोल पड़ता है? तो दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं, बताने की उतनी क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो में बता देता हूँ कि जो एलपीजी गैस वाला होता है ना, वो इंजन पेट्रोल का होता है, उसमें डीजल नहीं पड़ता है, केवल ओनली फॉर पेट्रोल पड़ेगा। और सेम सिस्टम देखिए, यहाँ पे जो सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बड़ा कैमरा कम नजदीक लेकर आ रहा, सेम सिस्टम जो ये दिखाई दे रहा है ना, सेम सिस्टम ऐसे ही रहता है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा नजदीक लेकर आ रहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल, ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा पेट्रोल, ये बात याद रखिएगा आप लोग, कि जहाँ डीजल लिखा वहाँ पेट्रोल लिखा रहेगा, ठीक। और एलपीजी जिसमें पड़ता है वो पेट्रोल इंजन ही होता है, और पेट्रोल इंजन का आपको मालूम ही है कितना पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, डीजल से भी पावरफुल होता है पेट्रोल इंजन, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो ऑपरेटर यहाँ बैठता है ना, जस्ट उसके पीछे ही सिलेंडर लगता है, जस्ट उसके पीछे ही, बाकी बढ़ के तो आदमी खत्म, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मस्ती मजाक चलते रहता है, तो यहीं पे उसके जस्ट सीट के पीछे ही लगा रहता है, ठीक। और उसका काम भी सेम इसी तरह होता है, सेम इसी तरह होता है, ठीक है ना। और अक्सर देखेंगे आप तो 5 टन के फोर्कलिफ्ट में लगा रहता है, प्लस 60 टन के फोर्कलिफ्ट में लगा रहता है, और ये 3 टन का फोर्कलिफ्ट है इसमें भी लगा रहता है, और 2 टन का, 2.5 टन का, 1.5 टन का फोर्कलिफ्ट उस सब में लगा रहता है, वही एलपीजी गैस, ठीक है ना। लेकिन उसमें इंजन कौन सा होता है? पेट्रोल वाला। ये याद रखिएगा कि जिसमें एलपीजी गैस पड़ता है उसमें पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन नहीं होता है। कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, अगर पूछ दे सामने से, वो फंसाते भी है बहुत अपने बातों में ना, बहुत उलझाता और फंसाता है लोग, चाहता है कि बंदा फंसे, कोई जवाब गलत दे हमें, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जिसमें एलपीजी गैस पड़ता है उसमें वो इंजन जो होता है वो पेट्रोल वाला होता है, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है एलपीजी गैस से? उस पर फर्क पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए पानी की फैक्ट्री है, ठीक है ना, वो चलता कहाँ कहाँ है? मान लीजिए पानी का फैक्ट्री है, या कोई जैसे कि कोई चॉकलेट का फैक्ट्री है या बिस्किट का फैक्ट्री है, तो उन जगहों पे ज़्यादा एलपीजी गैस वाला जो होता है ना फोर्कलिफ्ट, वहाँ पे यूज किया जाता है, इसलिए कि छोटा फोर्कलिफ्ट होता है, खर्च भी छोटा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे प्रदूषण न फैले, इसलिए कि बलदिया जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनको मालूम होगा कि बलदिया यहाँ पे गवर्नमेंट चीज़ है, और वो पकड़ लेता है, फिर से फाइन लगा देता है, फाइन लगा देगा 10,000 रियाल का, 15,000 रियाल का। दोस्तों, इसीलिए वहाँ पे पानी वाले फैक्ट्री में, चॉकलेट वाले, बिस्किट वाले, और भी अगर जो भी है खाने पीने वाला सामान में, तो वहाँ पे जो फोर्कलिफ्ट यूज होता है वो यूज होता है या तो पेट्रोल वाला या तो फिर एलपीजी गैस वाला, ठीक है। और जो सीएनजी की आप लोग बात करते हैं दोस्तों, से सीएनजी नहीं पड़ता, सीएनजी वाला दूसरा है, सीएनजी वाले में भी गैस पड़ता है, सॉरी पेट्रोल पड़ता है, वो भी पेट्रोल ही इंजन होता है जो अपने इंडिया में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे गैस जो हम लोग बना के खाना खाते हैं जिस गैस से, उसी गैस से ये फोर्कलिफ्ट चलता है। लेकिन जो ये 3 टन का फोर्कलिफ्ट है, इसमें क्या है कि ये डीजल वाला है, मेरे पास वो फोर्कलिफ्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं वो फोर्कलिफ्ट आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे सिलेंडर यहाँ पे लगा होता है, और आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि सिलेंडर कैसे लगा हुआ है फोर्कलिफ्ट के ऊपर। तो दोस्तों, बहुत जल्द मैं वीडियो भी लेके आने वाला हूँ 1.5 टन के फोर्कलिफ्ट के साथ,
और बहुत सारी बातें बताऊंगा उसमें क्या सिस्टम है, और इंजन भी दिखाऊंगा आप सभी को, वो सिलेंडर भी दिखाऊंगा और उसका पावर भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।